Subscribe my channel, like my channel and share my channel and don't forget to press the bell icon. Hello guys, assalamu alaikum. This is Shumaila with Shimmi's Kitchen. Today recipe is papdi chaat. So let's make with me. Viewers, aaj main papdi chaat banaungi. Ramzanon mein ye iftar mein kafi acha lagta hai. Aapne bahar to khaya hoga papdi chaat. Aaj main ghar pe banaungi. To iski recipe aap zarur note kar le. Chalein. Ye inke ingredients hain. ये काफ़ी इजीली बन जाते हैं घर पे, थोड़े से प्रेप वर्क होते हैं। ये वाइट चने हैं, काबली चने जिनको कहते हैं, चिक पीस। ये 3 कप मैंने बॉयल लिए हैं, तो मैंने नमक डाल के उबाल लिया था अच्छे से। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने रिंग कट में काट लिया है बारीक। ये कुटी मिर्च है 3 टीस्पून। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है 4 टीस्पून चाट मसाला, होममेड है। और ये दही है 1 कप विस्की हुई मीठी दही। 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें शुगर डाला था। ये 1 कप दही है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने मिंट लीव्स डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था नमक डाल के। ये इमली का पानी है, इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें डाली हैं। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। ये इमली की मीठी चटनी है, इसकी भी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप देख लीजिएगा। अब ये 1 मीडियम साइज़ के आलू हैं बॉयल, इसमें मैंने नमक और फूड कलर डाल के कट कर लिया था। तो ये एक बोल ले लें आप, इसमें सारी चीज़ें आप मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं बॉयल चने जो हैं, काबली चने, ये डाल दूँगी। चने आप अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा, सख्त रहेंगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। ये इमली का पानी है, ये मैंने पूरा डाल दिया। इमली का पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 3 कप के हिसाब से 1 कप रखा है। ये मिंट योगर्ट है, यानी कि पुदीने की दही जो मैंने बनाई थी, ये वो है, ये डाल दूँगी। ये मीठी दही है, ये डाल दिया मैंने। इसके बाद ये स्वीट चटनी है टमरिंड की, यानी इमली की मीठी चटनी। इसकी रेसिपी ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लें। ये अनियन रिंग्स है, ये डाल दूंगी मैं। ये बॉयल आलू है जो मैंने कट करके रखे थे, फूड कलर मिला के, नमक मिला के, ये डाल दिए मैंने। ये काफ़ी इजीली बन जाते हैं, सिर्फ चटनी आप बना लें, दही आप कर लें। और ये चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया, होममेड चाट मसाला। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये चिली फ्लेक्स डाल दूँगी मैं। चिली फ्लेक्स डाल दी मैंने। और ये पापड़ी है, ये आप घर पे भी बना सकते हैं, मगर मैंने ये बाहर से लिए तो क्रश फेंक के मैं डाल दूंगी पापड़ी का। ये मैंने पापड़ी को क्रश करके डाल दिए। ये मेरी चाट तकरीबन तैयार है। आखिर में भी थोड़ा सा जैसे दही जो बची थी वो मैंने ऊपर से डाल दी है। इमली का पानी डाल दिया और ये मैंने सर्व कर दिया है। मेरी पापड़ी चाट तैयार है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर, कमेंट करें, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।